हाय बच्चों, कैसे हो? ठीक है ना? यह हमारा किताब है, 8वीं कक्षा का किताब है। देखिए, पुस्तक के अंदर दूसरा पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में पहले उन्मुखीकरण चित्र के बारे में बताएंगे। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? और चित्र में एक लड़का, भूगोल यानी ग्लोब और पुस्तक है। और दूसरा, लड़का क्या कर रहा है? चित्र में लड़का बाएं हाथ में भूगोल यानी ग्लोब तथा दाएं हाथ में पुस्तक लेकर खड़ा है। और तीसरा, यह लड़का हमें क्या बताना चाहता है? यह लड़का हमें बताना चाहता है कि ज्ञान से दुनिया बदल सकती है। यह लड़का हमें बताना चाहता है कि ज्ञान से दुनिया बदल सकती है। फिर एक बार देखिए, और चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में लड़का, भूगोल यानी ग्लोब और पुस्तक है। और दूसरा प्रश्न, लड़का क्या कर रहा है? चित्र में लड़का बाएं हाथ में भूगोल यानी ग्लोब तथा और दाएं हाथ में पुस्तक लेकर खड़ा है। और तीसरा प्रश्न देखिए, यह लड़का हमें क्या बताना चाहता है? यह लड़का हमें बताना चाहता है कि ज्ञान से दुनिया बदल सकती है। अभी पाठ के बारे में पन्ना उल्टिए। अभी पाठ पढ़ेंगे। अभी एक बार एक जंगल में राजेश नामक लड़का जा रहा था। एक बार एक जंगल में राजेश नामक लड़का जा रहा था। ఒకసారి అడవిలో రాజేష్ అనే అబ్బాయి వెళ్తున్నాడు. రాస్తే మే ఉసే ఏక్ సోనే కా చిక్కా మిలా. రాస్తే మే ఉసే ఏక్ సోనే కా చిక్కా మిలా. ఔర్ రాజేష్ కహాన్ జా రహా హై? ఇస్కే బారే మే ఛోటా సా ప్రశ్న హై. రాజేష్ कहाँ जा रहा था? राजेश एक्कड़िकी वेळ्ळुतुन्नाडु? राजेश जंगल में जा रहा था। और राजेश को रास्ते में क्या मिला? राजेश को रास्ते में क्या मिला? राजेश को रास्ते में एक सिक्का मिला। राजेश को क्या मिला? एक सिक्का मिला। राजेश की दारिलो एम दुरिकिंदी? ఒక నాణెము దొరికింది. యా చిక్కా మేరా తో హై హీ నహీ అని ఏమనుకున్నాడు అంటే, ఇది నా నాణెము కాదు అనుకున్నాడు. ఇసే క్యా కరూం లేకర్, ఇది తీసుకొని వెళ్ళి ఏం చేయాలి అనేసి అన్న మనసులో వచ్చింది. జానే కిస్ బెచారేక సిక్కా యహా గిర్గయా హై. దానికి ఏమర్థమైందంటే, కిస్ బెచారేక సిక్కా యహా గిర్గయా హై, ఇది ఎవరో దురదృష్టవంతుడు ఈ నాణ్యాన్ని జారవిడుచుకున్నాడు అని అనుకున్నాడు. అబ్ నాతో ఇసే
रखी ही सकता हूँ और ना फेंक सकता हूँ इधर ना दगर पेटको लेनू पड़े लेनू आखिर सोना जो है इधर बंगार को नाने कदा हाँ यही सब सोचकर हुए वह आगे बढ़ चला जा रहा था इला अतन आलोचिस्तू मुंदुकु नडुस्ता उन्नाडु यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ा चला जा रहा था रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले दारिलो अतन की माला अंटे పూసల దండ ఉంటుంది దాన్ని ఇలా జపం చేస్తూ ఉండేటటువంటి ఒక సన్యాసి అంటే సాధు అతనికి కనిపించడం జరిగింది ఉస్నే సోచా అతను ఆలోచించాడు క్యా నా యహ సిక్కా సాధుకో హీ దేదు ఈ నాణ్యము సాధుకి ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అనేసి ఆయన అనుకున్నాడు ఫిర్ ఏక్ బార్ దేఖి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి एक बार एक जंगल में राजेश नामक लड़का जा रहा था रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला वहाँ सोचने लगा यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं इसे क्या करूं लेकर जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है अब ना तो इसे रख ही सकता हूँ और ना फेंक सकता हूँ आखिर सोना जो है यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ा चला जा रहा था रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले उसने सोचा क्यों ना यह सिक्का साधु को ही दे दूँ इसके बारे में देखिए और प्रश्न है राजेश कहाँ जा रहा था राजेश जंगल में जा रहा था और राजेश को रास्ते में क्या मिला राजेश को रास्ते में एक सिक्का मिला साधु ने माला से क्या कर रहे हैं साधु ने माला जपते हुए हैं साधु ने माला जपते हुए हैं इसके बारे में कुछ शब्द के बारे में देखिए शब्दार्थ शब्दार्थ एक बार ఒకసారి వన్ టైమ్ జంగల్ అడవి ఫారెస్ట్ రాస్తా దారి వే సిక్కా నాణెము కాయన్ బిచారా దురదృష్టవంతుడు అన్లక్కీ ఫెలో గిర్నా జారిపడుట ఫెల్ట్ ఫేంక్న విసురుట త్రో సోనా బంగారము గోల్డ్ సోచన ఆలోచించుట థింక్ माला दंडा गार्लैंड साधु सन्यासी चेस इस प्रकार ये शब्दार्थ है सबको धन्यवाद यह स्वयं कोटेश्वर राव LPH